वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग कुक स्मार्ट विद संजीव कपूर। अब कुछ बेकिंग करते हैं और ये जो बेक कर रहे हैं ये फ्लैन बनाएंगे, मीठा फ्लैन है, चीज़ फ्लैन है। चीज़ फ्लैन भाई, देखिए फ्लैन तरह तरह के बनते हैं, फ्रूट फ्लैन बनते हैं, सेवरी फ्लैन भी बनते हैं। ये जो है ये मीठा वाला है लेकिन चीज़ के साथ में, क्रीम चीज़ के साथ में, और इसमें मीठा, देखिए कैसे मीठा मैं बनाता हूँ। और ये मीठा बनाने के लिए ना ये मेरे पास है चीनी, और ये जो चीनी है उसके साथ में ये हमने ले लिया पानी। तो ये चीनी और पानी ये किस लिए है भाई? ये एक्चुअली है कैरमल के लिए। तो ये कैरमल बन रहा है, और कैरमल बनाने के लिए बस जरा सा, अब इसको कुछ नहीं करना। अच्छा, ये फ्लैन के लिए दूध यहाँ पर मैंने गर्म करने के लिए रखा है, और ये मेरे पास है सिनेमन। तो ये सिनेमन इसके अंदर, जरा सिनेमन का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, और गरम ये दूध हो गया, इसको बंद कर देते हैं। सिनेमन हो गया, ये मेरे पास क्रीम चीज़, और ये जो क्रीम चीज़ है ये इसको जरा मिक्स कर लेते हैं, और ये हो गया, अच्छी तरह से मिला लिया। कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर, ये तैयारी हो रही है हमारे चीज़ फ्लैन की, ये ले लिया, और फिर ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद ये मिक्स हो गया। तो अब क्या करना है हमें, इसके अंदर डालने हैं अंडे। चलिए जी, अंडे की तैयारी, अंडे ले लेते हैं, और अंडे जरा इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ वनीला एसेंस, ये इसमें चुटकी भर नमक भी डालना है हमने, ये लीजिए। अवन में ये अच्छी तरह से पकता है, और पकाने के लिए ये मेरे पास रेमेकिन मोल्ड्स हैं जिसमें इसको हम डाल के बनाएंगे। अब ये देखिए, ये कैरमलाइज होनी शुरू हो गई चीनी, और ये कैसे गोल्डन कलर इसमें आ गया। जैसे जैसे ये चीनी पकती जाएगी ये और लाल होती जाएगी, तो ये हमारी कैरमल तैयार हो जाएगी। ये लीजिए, अब इसका देखिए रंग गजब का। तो ये ले लेते हैं और इसको डालते हैं हम इसके अंदर, ये ले लिया, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पे ये जम जाएगा, चिपक जाएगा, चीनी का काम हो गया। और ये जो हमारा मिक्सचर है ये ले लेते हैं, दूध हमारे पास तैयार। दूध अब हमने थोड़ा ठंडा कर लिया, और फिर दूध इसके अंदर, ये लीजिए, दूध के साथ में इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बबल्स वगैरह कुछ नहीं, लम्प्स वगैरह कुछ नहीं। तो ये तैयार, और ये हमारे पास जो कैरमल हमने लिया था इसको एक इस तरह से ट्रे के अंदर रखा, और यहाँ पर मैं इसमें डाल देता हूँ पानी। ये पानी इसलिए ताकि ये पानी इसमें रहेगा, और ये अब इसमें हम डालेंगे, और फिर इसको रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर पकने के लिए। अब ये जो कैरमल है ये देखिए, ये ठंडा होते ही ये कैसे सेट हो गया, और अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा मिक्सचर है फ्लैन का चीज़ के साथ में, अच्छी तरह से बिना लम्प्स के ये लिया, और इसको डाल देते हैं इसके अंदर। कैरमल कस्टर्ड नॉर्मली काफ़ी लोग बनाते हैं, काफ़ी पॉपुलर भी है, लेकिन चीज़ फ्लैन क्लासिकल रेसिपी है, ज़्यादा लोग नहीं बनाते क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, काफ़ी रिच भी होती है। अब बनाने के बाद में आप खा के देखेंगे तो मज़ा बड़ा आएगा, क्योंकि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है टेस्ट की, क्योंकि इसके अंदर क्रीम चीज़ पड़ता है, तो इसमें हल्का सा नमकीन टेस्ट, क्रीमी टेस्ट, चीज़ी टेस्ट, तो इसका जो टेक्सचर है वो एकदम अलग, कोई कंपैरिजन ही नहीं है कैरमल कस्टर्ड के साथ।
मेरे पास जो ओवन है उसमें इससे बड़ी वाली डिश आती नहीं है, तो इसलिए बस इतना ही बना रहा हूँ, इसको वेस्ट नहीं करूँगा, इसको बाद में और मैं बना लूँगा। और फिर ये जो है हमारे पास, ये ले लेते हैं, इसको इसके अंदर, ये लीजिए ओवन प्री हीटेड, और इसको रख देते हैं इसके अंदर। और करीब इसको 50 से 55 मिनट लगेंगे इसी तरह से। इसको ऐसे सर्व नहीं करें, किनारे में हल्का सा नाइफ से आप इसको क्लीन करें, और नीचे जो कैरमल है वो उसकी वजह से तो ये चिपकेगा ही नहीं, तो प्लेट में इसको उल्टा कर दें। खैर अभी तो मजा लीजिए चीज़ फ्लैन क्लासिकल स्टाइल।